आईपीएल 2020 की आ गई है प्रोविजनल डेट 26 सितंबर से 7 नवंबर में हो सकता है आईपीएल। और 3TC यानी कि 3 टीम क्रिकेट जो हुई साउथ अफ्रीका में, भैया आपकी समझ में आई या नहीं मैं समझाने का करूंगा प्रयास। और आज का ट्रिविया, पहला इंटरनेशनल गेम, इंटरनेशनल क्रिकेट मैच, वो किन दो टीम्स के बीच में हुआ था, बताओ बताओ। हैशटैग आकाशवाणी, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आईपीएल 2020 यानी कि इस साल आईपीएल होने की पूरी पूरी आशा है, मतलब आसार है। क्यों? क्योंकि अभी जो मीटिंग हुई है, थोड़ा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मीटिंग हुई थी, इसमें कह रहे हैं देखिए हम तो तैयार हैं और आईसीसी की अनाउंसमेंट का इंतजार है जो कि मंडे को आ सकती है। मंडे को हो सकता है ये पता चल जाए, मंडे यानी कल ना, तो ज्यादा दूर तो है नहीं कि वर्ल्ड कप 2020 जो है वो पोस्टपोन कर दिया गया है इनडेफिनेटली बिकॉज ऑफ कोविड-19। और जैसे ही वो विंडो फ्री होगी तो 26 सितंबर से 7 नवंबर इज द टेंटेटिव डेट। तो और होगी कहां पर? मोस्ट लाइकली इन द UAE। अब अगर आप टीम्स के बारे में बात करें तो उन्होंने भी वैसे कह रहे हैं कि प्रिपेयर करना शुरू कर दिया है। कई टीम्स तो कह रहे हैं कि देखिए हम पहले चाहते हैं कि इंडिया के अंदर हम सबको, इंडियन प्लेयर्स को इकट्ठा करें, थोड़े दिन का वो बायो सिक्योर बबल के अंदर एक कैंप लगाएं, सबको टेस्ट करें एक बार और उसके बाद लेकर जाएं, क्योंकि अभी जितने खिलाड़ी हैं सारे अपने अपने घर पर हैं और हो सकता है उनमें से कोई, बहुत सारे एसिम्प्टोमैटिक हो या कोई भी एसिम्प्टोमैटिक हो, और अगर आप उनका टेस्ट किए बिना ले जाते हैं UAE, दैट कैन लीड यू और लैंड यू इन टू ट्रबल। पर कुछ टीम्स का ये भी मानना है कि देखिए कुछ नहीं है, खैर सभी का मानना है कि जो ओवरसीज प्लेयर्स है ना उनको सीधा पहुंचाइए UAE, किसी को भी भारत आने की जरूरत नहीं है, वो अपनी कंट्री में और UAE में उतरने के बाद वो जो क्वारंटीन प्रोटोकॉल उनको फॉलो करें और टेस्ट करें और फिर वहां पे बायो सिक्योर बबल में खेलें। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे टीम की चार्टर फ्लाइट्स लें, अपने अपनी फ्लाइटें करा कर जाएं, क्योंकि कमर्शियल एयरलाइंस यू डोंट नो यार क्या स्थिति रहेगी, सेफ होगा नहीं होगा। बट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, या द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन ऑल ऑफ दिस इज कि गवर्नमेंट से अप्रूवल चाहिए। जब तक गवर्नमेंट अप्रूव नहीं करेगी, देखिए आईसीसी का तो मुझे लगता है औपचारिकता है, वो T20 पोस्टपोन होना ही है, दे आर डिलेइंग इट बट इट डजंट रियली मेक अ डिफरेंस। पर जो डिफरेंस हो सकता है वो है इंडियन गवर्नमेंट से आपको परमिशन चाहिए कि हम आईपीएल को बाहर ले जाना चाहते हैं। आर यू ओके विद इट? विल यू अलाउ अस टू डू दैट इन करंट सर्कमस्टांसिस? तो ये एक बड़ा सवाल रहेगा। इंडिया में क्या हो सकती थी? ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। मुंबई इज रूल्ड आउट, बैंगलोर इज रूल्ड आउट, चेन्नई इज रूल्ड आउट, एक धर्मशाला और मोहाली का एक कॉरिडोर है जिसमें शायद करवाई जा सकती है, बट देन आई डोंट थिंक इंडिया में पॉसिबल है। तो फिर आईपीएल 2020 होगी तो जरूर ऐसा लगता है, और होगी भी तो 26 सितंबर से 7 नवंबर, विच इज ग्रेट न्यूज, पर होगी वो UAE में। अब मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, शेयर आपको क्या करना है। देखिए आपको रूटर, ये मेरी एक बड़ी पसंदीदा ऐप है, उससे मैं भी हूँ एक्चुअली, मेरा ही प्रोफाइल है, मुझे फॉलो कीजिएगा, और रूटर ऐप को ना डाउनलोड कीजिए। और मैं ये अकेला नहीं कह रहा हूँ, देखो मेरे साथी भी कह रहे हैं, डाउनलोड द रूटर ऐप। मैंने कहा ना, देखो मैं अकेला नहीं हूँ, आप मेरे साथियों से भी सुन लीजिए। और जो मैंने दूसरी विषय की बात करनी थी वो था 3TC यानी कि 3 टीम क्रिकेट। अब एक मैच में अमूमन 22 खिलाड़ी खेलते हैं, मतलब एक टीम में 11, दूसरी टीम में 11, 20-20 ओवर का मैच करा लो चाहिए, लेकिन यहाँ पे 3 टीम्स खिलाई गई, 3 टीम्स खेली गई, कुल खिलाड़ी कितने खेले? 24। ऐसा तो है नहीं कि फालतू अपॉर्चुनिटीज किसी को मिली है। बट देन साउथ अफ्रीका ने कहा कि हम 3TC के रूप में एक सॉलिडैरिटी कप रखेंगे जिसके अंदर गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल बांटा जाएगा और एक नया फॉर्मेट को जन्म दिया जाएगा। हो सकता है वो ओलंपिक का फॉर्मेट बन जाए, पर कितने फॉर्मेट चाहिए यार अपन लोग को? T20 हो गया, T10 हो गया, 18 ओवर का ये 3TC हो गया, एक कहीं पे मैं सुन रहा हूँ वो 15 ओवर का क्रिकेट भी कराना चाहते हैं, 100 क्रिकेट भी है भैया, कितने क्रिकेट के फॉर्मेट चाहिए? समझ में आप उनके तो बिल्कुल आया नहीं, आप भी आए हो तो जरूर बताना। अब इसमें हुआ क्या क्या, देखिए इसका जो सिस्टम था वो ऐसा था कि काइट्स थे, ईगल्स थे और किंगफिशर्स थे। अब वो एक एक करके सबकी बारी आती है, फिर एक एक करके फील्डिंग आती है, 18 ओवर एक इनिंग्स में रहते हैं जिसमें पहले टीम जो बैटिंग करती है वो उसी पारी की आखिरी जो इनिंग्स रहती है उसमें बोलिंग करते हैं। एक इनिंग्स में 3 पारियां होती है 6-6 ओवर की, तो हर टीम ABC तीनों खेलती है और उसके बाद ABC तीनों बॉलिंग भी करते हैं, लेकिन जो ए नंबर पे जिसने बैटिंग की थी वो सी नंबर पे बॉलिंग करेगा, और फर्स्ट इनिंग्स में जो सबसे ज्यादा रन बनाता है उसको सेकंड इनिंग्स में पहले बैटिंग करनी पड़ती है। और ये हमें दिखा एबी डिविलियर्स के रूप में, एबी डिविलियर्स की टीम थी वो सबसे ऊपर थी, वो ईगल्स के नाम से थी और सबसे ज्यादा रन उस टीम ने बनाए पहले 6 ओवर में, इसलिए दोबारा बैटिंग है और उसमें भी भैया बहुत बिटाएगी एबी डिविलियर्स, अद्भुत डिविलियर्स, ये कमाल है खिलाड़ी। और इन्होंने फिर बता दिया कि मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे हथियारों में जंग नहीं लगता, मैं खेलता हूं तो खेलता हूं बॉस, और बिल्कुल बॉस की तरीके से खेले, क्या बैटिंग किया। एडन मार्करम, ही वाज एब्सोल्युटली सेंसेशनल, उनको देख के मुझे बहुत मजा आता है, या कालिस की मुझे याद दिलाते हैं, तो उनको भी हमने देखा, उनको बड़ा प्यार से खेलते हुए देखा, ही इज ऑल्सो
एन एक्सीलेंट टैलेंट, उनका तो टेस्ट कैप्टनसी के लिए भी नाम चल रहा है वैसे बाय द वे। और तीसरी टीम जो थी वो थी, उसमें एक मैंने प्रिटोरियस को भी देखा, प्रिटोरियस वॉज अ फैंटास्टिक, मतलब उनकी जो बैटिंग देखी और उनकी बैटिंग भी बहुत बढ़िया थी। एंटीनी के हमने बेटे को बॉलिंग करते देखा एंड ऑल ऑफ दैट। इसमें एक और बात थी, ये 8-a-side टूर्नामेंट था जिसमें 6 zones बनाए गए, क्योंकि 6 फील्डर है ना, तो 6 zones बनाए गए। वो zones इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं कि अपनी तो समझ में आएगी, तो वहां पर उस जोन से आप निकल नहीं सकते, फील्डर उसी जोन में रहेंगे। उस जोन में जब रहते हैं तो फिर दूसरे जोन में गए तो फाउल हो जाएगा, और फाउल हो जाएगा तो डेड बॉल हो जाएगी, सामने वाली टीम को 4 रन मिलेंगे। ऐसा हुआ नहीं तो दैट्स ऑल राइट, पर कैसे वो जोन बनाए गए आई डोंट नो। पहली बॉल से फील्डर जो थे वो बिल्कुल वो बाउंड्री लाइन पर, मुझे ऐसा लगा जैसे गली क्रिकेट को अगर आप टीवी पे दिखाने लग जाओ तो ऐसा होता है, गली क्रिकेट में कुछ इस प्रकार के रूल्स होते हैं, सब पीछे पीछे चले जाओ, सिंगल सिंगल डबल जो मर्जी लेते हो, हम चौके छक्के बचाएंगे सिर्फ, उस तरीके से चल रहा था। तो डू आई लाइक द टूर्नामेंट, डू आई लाइक द फॉर्मैट, नो मैन, आई एम नॉट अ फैन पर्सनली। मुझे तो बिल्कुल अच्छा लगा नहीं कि, मतलब मेरी पर्सनल ओपिनियन है, आई लाइक कि क्रिकेट हुआ क्योंकि क्रिकेट होना चाहिए, बट इज दिस अ फॉर्मैट दैट्स हियर टू स्टे, आई हैव माय सीरियस डाउट्स हियर। ए बी डिविलियर्स जहां पर भी खेले, मार्करम ऐसी बैटिंग करें, कोहली रोहित अगर ये सब बैटिंग करेंगे तो हम सब देखेंगे, लेकिन अगर ये जो फॉर्मेट ये समझ में नहीं आ रहा तो मेरे तो भाई समझ में बिल्कुल पल्ले पड़ा नहीं। बट एनी हाउ दिस इज डन एंड डस्टेड। ग्रेट थिंग कि एक हमने देखा स्टार स्पोर्ट्स ने वर्क फ्रॉम होम करते हुए मतलब पूरा हिंदी ब्रॉडकास्ट ही माउंट कर दिया, वेल डन यार, ये बड़ा अच्छा था, क्योंकि एक दिल्ली में था, एक बड़ौदा में था, जतिन दिल्ली में, इरफान बड़ौदा में, दीपदास गुप्ता थे बंगाल में, संजय मांजरेकर मुंबई में, डायरेक्टर बैठा था मैसूर में, और आर प्रोड्यूसर वो सिटिंग इन मुंबई। वेल डन यार, स्टार स्पोर्ट्स की टीम ने ये काम बहुत बढ़िया किया, तो फिर फुल नंबर्स टू देम। अब ट्रिविया का मैं देता हूँ, चलो बाकी सब तो कमेंट सेक्शन भरते रहो आप। और ट्रिविया मेरी आज की ये है थी कि भाई पहला इंटरनेशनल मैच कौन सा था। 1844 में ये इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में नहीं खेला गया था, ये खेला गया था कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में। आई मीन हैपन्ड इन सेप्टेम्बर, बट 1844 इट्स कनाडा वर्सेस द यूनाइटेड स्टेट्स, दोनों टीम अब नहीं खेलती है, मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट में कहाँ नाम सुनते हैं आप इनका। सो दैट्स आपने कितने लोगों ने गेस किया बताइएगा। और अब मैं आपको जो खबर बता रहा हूँ उसको आप प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, और इस बात को मतलब कर लो यार, आकाशवाणी फैमिली हो ना तो फिर रूटर डाउनलोड कीजिए आप ऐप। रूटर इज द इंडियन गेमिंग एंड स्पोर्ट्स एंगेजमेंट ऐप, इंडियन इंपॉर्टेंट, तो फिर फटाफट से आप इसको डाउनलोड कीजिए, गूगल प्ले पे उपलब्ध है। आप अपनी जो गेम्स खेलते हो ना, जैसे पबजी हो गई, फ्री फायर हो गया, आप सब उसको स्ट्रीम कर सकते हो, उस पर अपनी कमेंट्री भी कर सकते हो, और उसके बाद आप बहुत सारे प्राइजेस भी जीत सकते हो, वर्थ एक्चुअली 1 lakh rupees पर डे। इसमें पेटीएम कैश भी है, फायर फ्री फायर के वो डायमंड्स भी हैं एंड अ लॉट मोर। सो इट्स अ वेरी गुड एंगेजमेंट ऐप, इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आप पढ़ ही सकते हैं। इस ऐप को फटाफट से डाउनलोड कर सकते हैं, मेरा वहाँ प्रोफाइल है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये आकाशवाणी हुई समाप्त, कल फिर मिलेंगे आपके साथ होपफुली विद मेबी #askakash या फिर the CPL 11, I think ask Akash, let's go for that. So abhi ke liye stay safe, stay blessed, have a wonderful day. Matlab aise aa rahi squad samajh nahi aaya, to kis squad hai, wo kahan ka hai, chal. Last time when we had a new champion it was in 1996. Chatala knock, he's put it up in the air, it's going all the way and he's out. Plunkett bowled very, very well.